दे दिए। हाँ उससे उससे पहले ये जो फीडिंग प्लेट है ये पूरा फिर बंद होना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, बंद होने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट किया। हाँ स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट करने से पहले हाँ, ये जो दो रोलर है ना हाँ, हाँ, ये इसे ओपन होना चाहिए। अच्छा ओपन होना चाहिए। हाँ पूरा क्लोज नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। फिर ये पूरा फ्री में मतलब पहले स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट होने के बाद ये जो फीडिंग प्लेट है यहाँ से फीडिंग देने से पहले हाँ, ये आउटलेट है। आउटलेट उसका ऐसे रहता है हाँ, तो इसे ऊपर कर दे रहा है। अच्छा हाँ ऊपर हो गया। हाँ फिर यहाँ से आराम आराम से फीडिंग का जो प्लेट है उसको हाँ, आराम आराम से ओपन किया। हाँ ओपन किया। ओपन करने के बाद हाँ, यहाँ से आपने देख लिया जो धान नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है ठीक है। फिर इसको बंद कर दिया। हाँ बंद करने के बाद इस जगह पर आ जाए। हाँ इस जगह पे आने के बाद यहाँ से हाथ रख के देखना है हाँ, जो उसमें वो छिलके आ रहा है कि नहीं रबर। हाँ, हाँ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको धीरे धीरे इसे इतना करके अच्छा फिर एक बार चेक करना है। हाँ, और इसमें खाली 7 से 8% तक वो जो चावल है चावल हाँ, के साथ पेड़ी रहेगा। अच्छा और सब यहाँ पर ही क्लीन होके आएगा। क्लीन हो जाएगा ठीक है। हाँ फिर मैंने इतना तक यहाँ से एडजस्ट करना है। हाँ, फिर देखना है 100 में से 6-7 ऐसे ही वो पेड़ी आ रहा है। हाँ 6-7 हाँ। बस यानी यहाँ पर छोड़ दिया आपने। हाँ, ओके है ओके ठीक है। हाँ, ओके होने के बाद ये ओके हो गया तब तो इसको प्रेशर दे देना है। हाँ, ये जब और यहाँ पर कैसे प्रेशर दोगे पहले तो ये दो को निकाल देना। हाँ हाँ निकाल दिए। निकाल दिया बस तो अभी यह मन ही मतलब यहाँ से ये जो है वेट हाँ, तो उसी हिसाब से वो प्रेशर है। हाँ फिर आपने देखा है जो ये क्लोज क्लोज है कि ओपन है अभी नहीं मान अभी ये क्लोज है। क्लोज है क्या। हाँ जब यहाँ से आपने चेक कर लिया हाँ, तो अब इसको आपने छोड़ दिया। छोड़ दिया।